हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ये है मॉर्निंग का ब्लॉग। सुबह के 5 बजे से मैं रूटीन शुरू कर रही हूँ, और जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि अभी स्कूल विंटर वैकेशन के बाद अभी स्कूल खुल गए हैं और 20-25 दिन की लगभग छुट्टी थी। तो अभी है इस साल का पहला दिन स्कूल का 2023 का। तो सुबह का टाइम है ये, 5:30 बज रहे होंगे, और मैं सबसे पहले उठ करके हाथ मुँह वगैरह धो करके मैं किचन में आ गई, और किचन में जितने भी फ्रिज में रखा रहता सामान जो वो निकाल दिया मैंने, जैसे कि आटा, दूध, मलाई वाला बर्तन, सब्जियां, मैं सब ले आई हूँ फ्रिज से निकाल के। तो ये सबसे पहला काम रहता है मेरा, और उसके बाद मैं लगा देती हूँ केतली में पानी गर्म करने को। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स। तो एक साइड मैंने चाय गर्म कर दूध गर्म करने को रख दिया है। सैमी सुबह पे दूध प्लेन दूध नहीं पीता है, दूध में थोड़ा पत्ती और चीनी और अदरक वगैरह डाल के मतलब चाय जैसा बना करके मैं देती हूँ सुबह पे। तो उसके साथ चाय बिस्किट खा करके स्कूल जाना होता है। तो यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई गर्म करने को, और आज है मेरा सोमवार का पहला व्रत। तो आज से मैं सोमवार की व्रत रखती हूँ, तो इसलिए मैं सब्जी में प्याज वगैरह प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। तो मैंने तड़के में डाल दिया है केवल जीरा और जख्या, और उसके बाद मैंने तड़के में डाली हरी मिर्च और टमाटर, और उसके बाद बस सारी सब्जियां डाल देनी है खुल आँच में। थोड़ी देर तक इनको भूनना है, फिर ढक के रख देना है, और उसके बाद कुछ देर बाद जब ये भून जाएं अच्छे से, इनका कलर हल्का चेंज हो जाए, तो उसके बाद हमको डालने हैं यहाँ पे मसाले। तो अब मेरी यहाँ पे चाय बन चुकी है, और चाय को थोड़ी देर में ठंडा होने के लिए रख दूंगी, और फिर चढ़ा दूंगी मैं गैस में तवा, और फटाफट से रोटियां बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से एक तरफ टिफिन बनाने का काम हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं टिफिन रखूंगी, और तब मैं सैमी को उठाने के लिए उठाती हूँ फिर मैं स्कूल के लिए। तो टिफ़िन में केवल मैं रोटी और सब्जी ही रखती हूँ, और कभी फ्रूट्स रख लिए तो वैसे खाता तो है नहीं, पर इनके स्कूल में जंक फूड अलाउड नहीं है, मतलब रोटी सब्जी के अलावा या पराठे के अलावा और कुछ देना अलाउड नहीं है, केवल सैटरडे को दे सकते हैं। तो यहाँ पे केवल मैं सिंपल रोटी में घी लगा करके और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख देती हूँ, ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा, नहीं तो खाएगा नहीं फिर ऐसे वापस ले आता है। तो फिर रोटियां दे देती हूँ, और बोतल में दे दिया मैंने हल्का गुनगुना पानी। इसके बाद टिफ़िन मेरा पैक हो गया नैपकिन वगैरह रख करके, और उसके बाद बादाम छिले और फिर उठाने के लिए तैयार। तब इतनी देर में वो बाथरूम से आ जाता है, मैंने बीच में उठा लिया था रोटी बनाते बनाते। जब तक सैमी बाथरूम में रहता है फ्रेश होने के लिए जा रखा है, तब तक मैं कल के धुले हुए कपड़े यहाँ पे फोल्ड कर देती हूँ, और बहुत ज़्यादा कपड़े वो रखे थे रजाई की कबर चद्दर, तो साथ ही के साथ मैं इनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ, और उसके बाद तैयार करेंगे और स्कूल के लिए भेज देंगे। तो देखिए दोस्तों कितने सारे कपड़े वो रखे हैं, और डेली के मेरे इतने ही रहते हैं। सुबह सुबह पे जितना ज़्यादा काम हो मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए सैमी आ चुका है, अब मैं तैयार करूँगी। देखिए सैमी तैयार हो गया स्कूल के लिए, अभी बज रहे हैं 7:45 और वैन नहीं आई है। तो हम अभी मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, देखिए दोस्तों कितना कोहरा लग रखा है, फॉगी फॉग हो रखी है चारों तरफ से, और काफ़ी ठंड थी आज, और हम यहाँ पर रुके हैं वैन के लिए। तो आज वैन आई नहीं, और दिन 7:45 पे आ जाती है, तो अब उसने टाइम चेंज कर लिया, अब 7:15 तक आ रहा है। तो
काफ़ी अच्छा लगा। फिर इतनी टाइम में तो हम अच्छे से तैयार भी हो जाते हैं, और सर्दियों के टाइम पे तो उजाला भी बहुत देर से होता है। तो देखिए, मैं दिखा रही थी कि फॉग लगा हुआ है चारों तरफ, और लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, और एकदम खाली खाली सड़क। तो वैन आ चुकी है, और देखिए बच्चे, इससे पहले भी बच्चे बैठे हुए हैं। 6:30-7:15 से वैन आनी शुरू हो जाती है। तो वैन चली गई, अब मैं अपना काम करती हूँ। तो मैं सबसे पहले जाती हूँ दूध लेने, दूध ले लिया है, अब घर चलने लगे। शाम भी पूरी सफाई। सड़क वड़क भी साफ, पहले झाड़ू मान तो पानी धोन। चाय रखती हूँ, सब्जी मेरी बन गई है, प्रेस राउंड देखते हैं अभी को मैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो आज है सोमवार, सोमवार का दिन है आज, और तो सोमवार का दिन मेरा आज व्रत है। तो अब मैं चली गई हूँ मंदिर, सारे काम निपटा के, और थोड़ा यहाँ पे पूजा करेंगे। आप भी कर लीजिए शिव जी के दर्शन। तो मैं यहाँ पे जल चढ़ा करके, पूजा करके फिर जाऊँगी घर। मंदिर से आ गई हूँ, पूजा कर ली है, और अभी मेरे बाल भी नहीं सूखे, थोड़ा मैं धूप सेक लेती हूँ। आज बहुत देर से आई है धूप। फिर लंच बनाने की तैयारी करेंगे, फिर प्रसाद बनाना है शाम को। तो मैं मिलती हूँ आपसे आगे। चलिए चलिए।